बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा तीसरा लेक्चर सबक नंबर 6 मौलाना दीन मोहम्मद वफाई के मशकी सवालात के मुतालिक है। तो आइए अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। तो हिस्सा अलिफ है हमारे पास सवाल जवाब। मौलाना वफाई जी, ननपन बाबत अवा के कड़ी खबर आए। मौलाना वफाई के बचपन के बारे में आपको क्या पता है? मौलाना दीन मोहम्मद वफाई 4 अप्रैल 1894 थे, संदस अबाणे गोट खटे उर्फ नबियाबाद, तालुके घड़ी यासिन में जाओ। मौलाना मोहम्मद वफाई 4 अप्रैल 1894 में अपने आबाई गांव खटे उर्फ नबियाबाद, तालुके घड़ी जाए यासिन में जाओ, तहसील घड़ी यासिन में पैदा हुए। मौलाना जी अवाइली तालीम संदस वाले साहब जी नज़रदारी हेठ थी। मौलाना की इब्तदाई तालीम उनके वाले साहब के ज़ेर नज़र थी। अजा नू वरियन जी जवान मसीहस अभी 9 साल की उम्र बा मुश्किल हुई, तब पियो जो सायो सर तां खजी वेस के बाप का साया सर से उठ गया। अड़ी हालत में बा फारसी जी रेहल तालीम पंजे अजीज़ मियाँ जी मोहम्मद आलिम वट रही पूरी की आई। ऐसी हालत में भी फारसी की बाकी मानदा तालीम अपने रिश्तेदार मियाँ मोहम्मद आलिम के पास रहकर पूरी की। सवाल नंबर 2 है, मौलाना वफाई की कड़े बुजुर्गन जी कचहरी में फैज़ हासिल थे। मौलाना वफाई को कौन से बुजुर्गों की मजलिस से फैज़ हासिल हुआ? मौलाना वफाई के मखदूम हाजी हसनुल्ला पटाई और अलामा सैयद रशदुल्ला शाह झंडेवारे जी कचहरी में फैज़ हासिल थो। मौलाना साहब को मखदूम हाजी हसनुल्ला पटाई और अलामा सैयद रशदुल्ला शाह झंडेवारे की मजलिस से फैज़ हासिल हुआ। सवाल नंबर 3 है, मौलाना वफाई केड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहन? अलवहीद अखबार, माहवार रिसालो तौहीद एंड टिहारो किताब मौलाना दीन मोहम्मद वफाई जा इल्मी यादगार तौर मौजूद आहन। अलवहीद अखबार, माहवार रिसाला तौहीद और 30 किताबें मौलाना वफाई के इल्मी यादगार के तौर पर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास बे में लफ्ज़ माना जुमले हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास अवाइली यानी इब्तदाई। मौलाना दीन मोहम्मद जी अवाइली तालीम संदस वाली साहब जी नज़र हेठ थी। मौलाना दीन मोहम्मद की इब्तदाई तालीम उनके वालिद साहब की ज़ेर नज़र थी। जमार उमर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल की जमार में वफात कही। हज़रत सलमान फ़ारसी ने 80 साल की उम्र में वफात की। नामाचार शहरत मौलाना वफाई जो इल्मी नामाचार सजे सिंध में पकड़ जी हो। मौलाना वफाई की इल्मी शहरत पूरे सिंध में फैल गई थी। महाभारे अजीम बड़ी बे महाभारे लड़ाई 1939 में थी। दूसरी जंग अजीम 1939 में लड़ी गई। अगरी पेश खिलाफत तहरीक सबनी तहरीकन का अगरी हुई। खिलाफत तहरीक सब तरीकों से आगे आगे थी या पेश थी। धाको रोब पाकिस्तान की एटमी ताकत जो धाको सजी दुनिया से बीठल आए। पाकिस्तान की एटमी ताकत का रोब पूरी दुनिया पर बैठ गया है। उसके बाद जीम में हमारे पास है लफ्ज़, तो लफ्ज़ देख लीजिए, कमाल जवाल, इंतहा इब्तदा, आला अदना, घट वध, घट का माना कम, वध का माना ज़्यादा, विलादत पैदा होना, वफात मर जाना, वालिद वालदा, खिलाफ मुवाफिक और लास्ट लफ्ज़ खादिम मखदूम। तो उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू।